ऐसा ही एक बार बाहर 8 महीने बिता करके बरसात के दिनों में अपने गांव की तरफ अपने झोपड़े की तरफ वो दोनों गुरु और शिष्य आ रहे हैं। अंधेरा हुआ है, जब देखते हैं झोपड़े के पास आकर के देखते हैं कि आधा झोपड़े का ऊपर का जो हिस्सा है वो जो गिर चुका है, छत जिसे आप बोलोगे, वो छत जो है वो झोपड़े की आधी छत गिर चुकी है। दोनों वहां पर आए, गुरु जी ने भी छत देखी कि उड़ गई है, चेले ने भी छत देखी झोपड़ा आधा उड़ गया है, बरसात के दिन है, बादल आकाश पर मंडरा रहे हैं, अब बारिश होती है कि कब बारिश होती है, किसी भी क्षण बारिश होती हो सकती है, ये शिष्य देख रहा है। मन में द्विधा की स्थिति निर्माण हुई है, सोचता है कैसे सोएंगे, कैसे रात बिताएंगे, अरे हम तो 8 महीने या सालों साल बचपन से लेकर के अभी तक परमात्मा का नाम ही लेते आ रहे हैं और हमारे साथ ये भगवान ने क्या किया, क्योंकि किसी आंधी ने झोपड़ा उड़ाया होगा, आंधी भी परमात्मा की, रचना भी परमात्मा की, तो क्या परमात्मा हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता था कि हमारा झोपड़ा जो है वो ना गिरा था। और वो भोग ऐश्वर्य में लिप्त जो लोग हैं वो सुखपूर्वक हैं, बड़े आनंदित हैं, और हम भगवान का नाम लेने वाले दुखी है, ये कैसा, अरे कुछ नहीं है धर्म, कुछ नहीं है भक्ति। देखिए, और गुरु जी आराम से सोए हैं, हाथ से सोए, जैसे कोई शहंशाह सो जाता है ऐसे सोए, कोई टेंशन नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं है। चेला लेटा है, करवटे बदल रहा है, बार बार आसमान की तरफ देख रहा है। प्रातः काल तीसरा प्रहर 3-3:30 बजे के करीब स्मरण के लिए बाबा जी उठते हैं। उठने से पहले होने वो लेटे हुए ऊपर की ओर मुंह देखते हैं, आसमान पर तारे खिले हुए हैं। पहली बार गौर से देखा है आसमान को, चमकते हुए तारे प्रफुल्लित। गुरु जी धन्यवाद देते हैं परमात्मा, अरे कितना सुंदर है तुम्हारा यह आकाश, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, तेरी बड़ी मेहरबानी बड़ी कृपा है तुम्हारी कि आज तुमने अपनी अलौकिकता का दर्शन मुझे करवाया, धन्यवाद है प्रभु, कैसी कैसी कृपा करते हो प्रभु, कैसे कैसे नजारे दिखाते हो प्रभु। लेकिन विपक्ष में चेला सारी रात करवटे बदलता रहा है, एक क्षण भी सो नहीं पाया है। सुविधा नहीं, लेकिन मन की जो तैयारी है, मन की तैयारी कर चुकने के बाद इन भौतिक पदार्थ की तरफ व्यक्ति का आकर्षण नहीं निर्माण हो पाता, और हमारा आकर्षण है भी तो उन वस्तुओं के साथ जो वस्तु दिन प्रतिदिन हाथ से खिसकी जा रही है, जैसे मुट्ठी में अपने रेत पकड़ी है और कस के दबाओ तो धीरे 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 बह जाती है मिट्टी, वो रेता बह जाता है, तो हमने विश्वास भी रखा है तो उन वस्तुओं के ऊपर जो उत्पन्न होने वाली है और समय चलते हुए जो नष्ट होने वाली है। और जिसने भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ के रखा हुआ है उसके जीवन में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं बनता। आप जानते हो हमारे 84 लाख योनियों का कारण क्या है, सृष्टि इसलिए तो नहीं रची गई कि जीवात्मा तरह तरह के दुख उठाए,
परेशानियां भुगते। सृष्टि की रचना तो परमात्मा ने जीवात्मा को आनंद देने के लिए निर्माण किया। जब उद्देश्य परमात्मा का आनंद देना है, लेकिन हो क्या रहा है यहां पर? यहां पर विपरीत दिखाई दे रहा है। आनंद का तो कुछ पता ही नहीं है, जीवन में दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। और उसका कारण एकमात्र यही है, जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारा जो ध्यान है, हमारी जो मंशा है, हमने जो मान्यता बना रखी है, वो संसार के भोग के प्रति हमने मान्यता बना रखी है। बहुत बड़ी बीमारी हमने पाल रखी है, ये कैंसर महाभयानक बीमारी बोलते हैं ना। अब वो कैंसर इतना भयानक नहीं है, क्यों? कि वो एक शरीर के साथ है, एक उम्र के साथ है। एक बार ये शरीर छूट गया, बीमारी खत्म हो गई। लेकिन जो मान्यता बना रखी है, वो जो बीमारी बना रखी है भौतिकता की, उस बीमारी के कारण, और देखिए दो ही बीमारियां मुझे दिखाई देती है, धन और भोग। धन एक रोग है, एक बीमारी है, और भोग महाबीमारी है, और इसी के अंदर लपेटे हुए। और हमारी प्रार्थना भी होती है, हम पूजा भी करते हैं, मठ मंदिरों में जाते हैं, गुरु चरणों में बैठते हैं, और यहां जाकर के भी हम क्या करते हैं? यहां जाकर के भी हम वही चीज मांगते हैं जो संसार के लिए उपयोग में है। जिससे परमार्थ दूर हो जाता है, वही चीज हम मठ मंदिरों में भी वही जाकर के हम मांगते हैं। भगवान जी धन दे दो, पुत्र दे दो, न जाने क्या क्या दे दो। महाराज ने एक ही सूत्र में बहुत बड़ी बात कही है, जागने के लिए यशनत्रय तेजावे, तीन ही इच्छाओं के कारण संसार लपेटा जा रहा है। तीन ही इच्छाओं के कारण संसार जो है वो पीसता जा रहा है। पुत्रेशना लोकेशना वित्तेशना। पुत्रेशन पुत्र प्राप्त हो, यानी संतान मांगते। न जाने कितने बीड़े चढ़े हुए हैं, न जाने कितने नारियल बांधे हुए हैं स्थान स्थान के ऊपर। कलश में आप जाओगे ना, देखना आप, सारा मंदिर भर गया है पुत्रेशन। प्रेम कभी मांगा नहीं, ज्ञान कभी मांगा नहीं, वेद कभी मांगा नहीं, बोध कभी मांगा नहीं, चतुर्थ साधनों की सेवा दास हो ये कभी मांगा नहीं। मांगा क्या है? पुत्र। आपको पता है पुत्र आपका आपके लिए वरदान सिद्ध होगा या श्राप सिद्ध होगा? अरे पुत्र तो मांगा था उग्रसेन ने, राजा उग्रसेन ने उत्तराधिकारी के रूप में राज सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए पुत्र की कामना की थी। मठ मंदिरों में जाकर के पुत्र मिला, कौन? कंस। कंस पुत्र मिल गया, बाप को ही जेल में डाल दिया, न जाने कितना अधर्म कर दिया, जिसका प्रसव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गया। पुत्र मांगा औरंगजेब के पिताजी ने, पैदा हुआ औरंगजेब, अपने सात भाइयों को कत्ल करके, जहां आ रहा शायद नाम है उसका, उसके साथ मिलकर के सात भाइयों को मार करके सिंहासन के लिए पुत्र। और आज देखिए पुत्र तो है, 3 चौक 12, मां बाप का बंटवारा है ना। मां 3 महीने इस बेटे के घर, 3 महीने उस बेटे के घर, 3 महीने उस बेटे के घर, 3 महीने उस बेटे के घर, 3 चौक 12 मां जो है वो परिक्रमा करते हुए आ रही है। पुत्र तो है, प्यार बह रहा है, लेकिन कुत्ते बिल्लियों के साथ बह रहा है। कुत्तों को बिल्लियों को गोद में लेकर के घुमा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना उनको दे रहे हैं,
घर में बाप है चाय तक नहीं पूछते, माँ है सीधी जबान से बात तक नहीं करते, तो पुत्र तो है।